दोस्तों, आपका बचपन और मेरा बचपन शायद नटराज पेंसिल को यूज करके ही बीता हुआ होगा, और जो न आने वाली जनरेशन है वो भी नटराज पेंसिल का ही यूज करे। तो आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो आज मैं नटराज पेंसिल बॉक्स का अनबॉक्सिंग करता हूँ। आपको भी शायद देखने में मज़ा आएगा और आपकी यादें पुरानी हो जाएंगी शायद। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये नटराज पेंसिल का पेंसिल बॉक्स है जिसकी कीमत और क्या क्या देखिए यहाँ पे, लेकिन नटराज 621 पेंसिल 10 पीस रहेंगी जिसकी कीमत 40 रुपये है। नटराज 601 यानी कि 621 शार्पनर जो एक कटर है, एक पीस रहेगा जो कि 3 रुपये में मिलता है। नटराज डस्ट क्लीन क्लियर इरेजर एक पीस रहेगी जो कि 3 रुपये मिलता है। ये पूरा बॉक्स जो है 40 रुपये का मिलता है, जिसके अंदर यदि मैं पेंसिल की कीमत के हिसाब से बताऊं तो 10 पेंसिल की कीमत यहाँ पे 40 रुपये है, और ये तीन तीन का दो चीज़ फ्री मिल रहा है, कटर और रबड़। तो 40 रुपये का बॉक्स है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको ख़रीद लीजिए, काफ़ी अच्छी पेंसिल होती है, आपका बचपन भी गुजरा होगा इससे। तो अभी देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है? अभी तो पेंसिल ही पेंसिल निकल रही है। एक कटर, ये नटराज की कुछ 10 पेंसिल है जो कुछ इस तरह से दिखने वाली है। आई थिंक आपको भी आपकी बचपन ताज़ा हो गई होगी, बचपन की यादें। ये नटराज की पेंसिल है, वाकई में छूने में ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से छोटा हो गया हूँ और मुझे स्कूल जाने पे पेंसिल से लिखने का मौका मिलेगा। और ये एक इरेजर है और ये कटर है। इरेजर का लुक शायद चेंज हो गया है, ये जो ऊपर का कवर रहता है, बाकी अंदर जो मटेरियल है इरेजर वो ऐसे ही है। और नटराज का ये शार्पनर यानी कि कटर, इसका भी लुक हल्का सा लग रहा है कि चेंज हुआ है, बाकी हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता। तो ये शार्पनर है हमारे हाथ में। तो बस यही था, मज़ा आया वीडियो देख के, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, वीडियो देखने धन्यवाद।